एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है मुंबई में। और बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ गई है। बांद्रा में ही उनकी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ गई है। परिवार ने उनके इंडस्ट्री में मौजूद कई दोस्त और करीबियों से ये बात बताई है। वैसे आप सबको बताना चाहेंगे कि दो हमलावर जो गिरफ्तार हुए, तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। 15 लोगों की टीम है, जो 15 टीम है वो अलग तरीके से जांच कर रही है। हरियाणा और यूपी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बीते कल की शाम बाबा सिद्दीकी की जिंदगी ली, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं और हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस जो है इस मामले में तहकीकात कर रही है। बता दें अभी कुछ महीने पहले की बात है, सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। 3 लोग बाइक से आए थे और सुबह सुबह सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। सलमान उस वक्त घर पर ही आराम फरमा रहे थे, जिसके बाद सलमान खान को लेकर लास्ट वार्निंग जो दी गई थी उसमें ये भी कहा था रोहित गदारा के ग्रुप ने, जो बिश्नोई गैंग के हैं, कि अब चेतावनी नहीं मिलेगी, अब सलमान खान ही उनका टारगेट है। इस बीच बाबा सिद्दीकी जो सलमान के बहुत करीबी दोस्त है, उनकी जान लेकर कहीं ना कहीं साबित किया जा रहा है कि सलमान खान के लिए वाकई में बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी का निधन हुआ, इसलिए बांद्रा में ही सलमान खान पर भी अटैक का चांसेस हैं, क्योंकि बांद्रा में ही बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई गई और बांद्रा में ही सलमान का घर है। नेक्स्ट 9 लाइव श्रुति रिपोर्ट।